मारवाड़ मुजफ्फरपुर क्षेत्र के सीरियाली गांव में करंट लगने से एक बानर की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बानर का अंतिम संस्कार विधि विधान ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। हमारे देश में यह परंपरा कायम है। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ इंसान को क्या पशु पक्षी से भी प्रेम करता है और यही प्रेम सीरियाली में देखा गया। सीरियाली में वानर की करंट लगने से मौत हुई खबर फैली। खबर आखिरी तरह फैली, ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे और वानर राज का अंतिम संस्कार ढोल नंगाड़े विधि विधान से तक जाकर निकाली गई। कहते हैं कि वानर के रूप में हनुमान जी को हमारा भारत देश मानता है और इसीलिए इनका विधि विधान मान सम्मान से इनका अंतिम संस्कार किया गया। गांव के ही युवा जन धार्मिक प्रवृत्ति के युवा जन उन्होंने वानर राज की अंतिम यात्रा शोभा यात्रा कहें तो विधि विधान से निकाली गई। इन्हीं युवाओं में संजय व्यास, दीपक मकवाना, सूरज सेन, भरत सोनी, चंदन सिंह, राजेंद्र कुमार, राहुल प्रजापत, जीवन व्यास सहित कई युवा उपस्थित थे जिन्होंने वानर का अंतिम संस्कार किया। यह संस्कार बड़े विधि विधान से किया, धूमधाम से किया। आपको बता दें आज से 15 साल 18 साल पहले भी मारवाड़ जंक्शन में एक वानर की गर्भ से मौत हो गई थी। शव यात्रा निकाली गई थी और वह उस शव यात्रा वह ऐतिहासिक शव यात्रा थी जो आज भी मुक्ति धाम मारवाड़ जंक्शन के यहाँ पे करंट बालाजी के रूप में वह वानर राज ले जाते हैं। उस दौरान वानर राज की अंतिम संस्कार के समय बड़ा विवाद हुआ था। कई लोग उस मामले में आरोपित हुए थे। करंट बालाजी के नाम से जाने वाले वानर ने उन्हें सब तितर बितर कर दिया। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। वो कई लोग तो भूमिगत हो गए, कई लोग जेल चले गए। आखिरकार लंबा चला मामला। उस समय भाजपा की सरकार थी, सरकार ने वह मामला वापस लिया। तब जान बच पाई उन लोगों की, एक नहीं कम से कम 19 से 20 लोग उस करंट बालाजी मारवाड़ जंक्शन में जो प्रकरण हुआ था उसमें शामिल थे। और जब जब किसी वानर की इस करंट से मौत होती है तो मारवाड़ जंक्शन में हुए हादसे याद आते हैं कि किस तरह से मारवाड़ जंक्शन में वानर राज के अंतिम संस्कार कितना उन लोगों को भारी पड़ा। तो ये भारत देश की संस्कृति है। कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई पर चलना चाहता है उसे चलने ही नहीं देते, जो देश प्रेम से की बातें करता है उसे करने ही नहीं देते, जो देश पथ पर चलना चाहता है उसे चलने ही नहीं देते, जो देश की बात करता है उसे करने ही नहीं देते। आखिर हमारा भारत देश है, लोकतंत्र है, सबको कहने की सुनने की आज़ादी है। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज़। आपको यह खबर अच्छी लगे तो आप इसे आप इस खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए मैं देविदा।